सो ये लाइन डेफिनेटली आपने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो पढ़ी होगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, फ्रॉड की डेफिनेशन. तो फ्रॉड की डेफिनेशन है, इफ एनी क्लेम मेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन इज इन एनी रिस्पेक्ट फ्रॉडुलेंट, और इफ एनी फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज मेड और यूज इन सपोर्ट देयर ऑफ, और इफ एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स और डिवाइसेज आर यूज बाय द इंश्योर्ड पर्सन और एनी वन एक्टिंग ऑन हिज और हर बिहाफ टू ऑब्टेन एनी बेनिफिट अंडर दिस पॉलिसी, ऑल बेनिफिट्स अंडर दिस पॉलिसी एंड द प्रीमियम पेड शैल बी फोरफेटेड. मतलब अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की गई जिससे आप अपनी पॉलिसी से फायदा उठाना चाह रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी हुई नहीं लेकिन आप वो प्रूव कर रहे हो कि वो हुआ है फ्रॉड तरीके से और इस पॉलिसी से आप बेनिफिट उठाना चाह रहे हो और इंश्योरेंस कंपनी को इसका पता लग जाता है, तो आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है और जो आपने प्रीमियम पे किया है वो भी वापस नहीं देंगे, फोरफेट कर लेंगे, मतलब रख लेंगे. सो यहाँ पे ये भी बताया गया कि मान लीजिए अभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी, कुछ फ्रॉड की वजह से आपने क्लेम लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्लॉबैक भी कर सकती है, आपसे वापस मांग सकती है, लीगल नोटिस भी आपको भेज सकती है. तो इसलिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो बिल्कुल ना करें. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं और क्या आपको नहीं करना है अपनी पॉलिसी में. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस. चलते हैं वीडियो की तरफ. फ्रॉड का आखिर मतलब क्या होता है? सबसे पहला फ्रॉड होता है एप्लीकेशन फ्रॉड. मतलब जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो एप्लीकेशन फ्रॉड सबसे कॉमन फ्रॉड है. आप इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी, आपने मिसलीड करा इंश्योरेंस कंपनी को. अगर वो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते तो हो सकता उसकी वजह से आपकी पॉलिसी इशू ना होती या आपको वेटिंग पीरियड्स लगते या आपको एक्सक्लूजन्स लगती या आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाता, लोडिंग लग जाती. तो आपने उन सब से बचने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन फिल कर दी. और दूसरा होता है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई, आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली बताई ही नहीं. मान लीजिए आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, आपने वो बताया ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी को जिससे कि आपके लोअर प्रीमियम आप पे करो. एक फ्रॉड होता है गलत डेट ऑफ बर्थ. तो अब तो खैर केवाईसी है तो गलत डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत ही मुश्किल है, नहीं डाल सकते आप, बट फिर भी कई बार होता है फेक आईडी प्रूफ्स के साथ गलत डेट ऑफ बर्थ प्रोड्यूस करके, मतलब लोअर एज प्रोड्यूस करके लोअर प्रीमियम्स लोग पे करते हैं, जो कि एक फ्रॉड है. और क्लेम्स के टाइम पे अगर वो पकड़ा जाता है तो उस टाइम पे क्लेम्स नहीं मिलते हैं और पॉलिसी भी टर्मिनेट कर दी जाती है. और नॉन डिस्क्लोजर, जो हमने कहा कि आप गलत तरीके से पॉलिसी खरीद रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं बता रहे, क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं, या तो प्रीमियम बढ़ जाता है या आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं होती है या आपको वेटिंग पीरियड्स लग जाते हैं. तो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, एप्लीकेशन फ्रॉड दिया, एप्लीकेशन फ्रॉड किया जिससे कि फ्यूचर में आपका क्लेम रिजेक्ट होगा और पॉलिसी भी टर्मिनेट कर दी जाए. दूसरे टाइप का फ्रॉड है आइडेंटिटी थ्रिफ्ट. अब तो बहुत रिसेंटली सुनने में नहीं आया लेकिन पहले बहुत कॉमन होता था, आज से 3-4 साल पहले. किसी और के डॉक्यूमेंट्स, रॉन्ग आईडी प्रूफ्स, गलत डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहले केवाईसी नहीं होता था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो अब केवाईसी मैंडेटरी हुआ है. तो केवाईसी जब नहीं होता था तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके, गलत आइडेंटिटी देकर, मतलब एक मान लीजिए किसका नाम है, मैं एग्जाम्पल लूंगी रमेश कुमार, तो कोई और रमेश कुमार विद लोअर डेट ऑफ बर्थ का आईडी प्रूफ देके पॉलिसी करवा ली. एंड क्लेम्स के टाइम पे भी इतने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते थे तो क्लेम्स निकल जाते थे, तो वहां पे वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है. अब केवाईसी एप्लीकेबल इसीलिए है ताकि ऐसी वाली एक्टिविटीज ना हो और इंश्योरेंस कंपनीज फेक क्लेम्स ना पे करें. तीसरा होता है मिसरिप्रेजेंटेशन. मतलब एडमिशन हॉस्पिटल में किसी और चीज के लिए की गई लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को कोई और इन्फॉर्मेशन बताया गई जिससे कि आपको क्लेम मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, कोई एडमिट हुआ सिर्फ इमरजेंसी में कि दिखाने गए डॉक्टर को या सिर्फ टेस्ट कराने थे उनको, तो डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में कि चलो आपको एडमिट करते हैं और आपने बोला कि मेरे को एडमिट कर लो क्योंकि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन गई वो आप अगर आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन रिजेक्टेड होता है आपकी पॉलिसीज में, उसका क्लेम नहीं मिलता है. अगर सिर्फ आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए एडमिट हुए हैं, कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उस टेस्ट में कुछ निकला नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है. सो इसलिए गलत तरीके से लिख दिया, लेट से किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट. ऐसे बहुत बारी मैंने केसेस देखे हैं, पेशेंट को वो प्रॉब्लम ही नहीं होती लेकिन वो प्रॉब्लम लिख दी डिस्चार्ज समरी में कि इस प्रॉब्लम के लिए एडमिट हुए थे और ये ट्रीटमेंट दिया गया था. वहाँ पे जब इंडोर केस पेपर्स मांगते हैं तो हॉस्पिटल भी फंस जाता है और पॉलिसी होल्डर भी फंस जाते हैं कि बताओ आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, कितने बजे कौन सी मेडिसिन दी, कितने बजे क्या ड्रिप लगाई, कौन से डॉक्टर ने विजिट करा, डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे दो, पूरी इन डेप्थ वेरिफिकेशन होती है. कुछ जोन 2 जोन 3 सिटीज में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने ये काम किया
जिन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन करी, चाहे तो पॉलिसी होल्डर की वजह से या हॉस्पिटल की तरफ से, या मिले हुए थे तो उन्होंने ये काम किया और पॉलिसी के क्लेम रिजेक्ट हुए और पॉलिसी टर्मिनेट भी कर दी गई। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि उस पिन कोड में इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मुझे उस पिन कोड में पॉलिसी ही नहीं देनी क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्लेम्स आते हैं, या उस हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो ऐसी एक्टिविटी ना करें, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथे तरीके का फ्रॉड है फेक क्लेम या फॉल्स क्लेम। यहाँ पे क्या होता है, या तो पेशेंट ही एडमिट नहीं होते हैं हॉस्पिटल में लेकिन क्लेम फाइल करा, इस तरीके से क्लेम फाइल करा कि पता ही ना चले कि पेशेंट एडमिटेड नहीं है। उसके चक्कर में इंश्योरेंस कंपनीज ने अब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगाई हैं जहां पे वो हॉस्पिटल में चेक करके आते हैं कि पेशेंट एडमिटेड है या नहीं है। आप काफी बार देखेंगे अगर आप एडमिट होते हैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करने आती है और चेक करने आती है कि पेशेंट बेड पे है कि नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि ऐसे कुछ क्लेम्स आए जहां पे पेशेंट एडमिटेड नहीं थे, वो फेक क्लेम थे, फॉल्स क्लेम थे, पेशेंट और हॉस्पिटल की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्लेम डाल दो, जो अमाउंट आएगा हम शेयर कर लेंगे क्लेम का। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज को जब पता लगा कि इस तरीके के कार्टल्स बने हुए हैं, इस तरीके का काम हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज पे भी चेक लगा दिया। लास्ट फ्रॉड होते हैं जो प्रोवाइडर फ्रॉड कहा जाता है, जहां पे हॉस्पिटल ही अपने पैसे बनाने के चक्कर में ये गलत काम करते हैं। सो यहाँ पे प्रोवाइडर फ्रॉड भी कॉमन थे कुछ टाइम पहले तक, अब तो ये है कि हॉस्पिटल्स भी ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं अगर ऐसा काम करते हैं। तो प्रोवाइडर फ्रॉड बेसिकली होता है कि बिल में मेंशन कर दिया कि सर्जरी हुई इस चीज की, जबकि सर्जरी हुई नहीं, सर्जरी किसी और चीज की हुई, कॉस्ट कुछ और लगी, लेकिन मेंशन कर दिया हाई कॉस्ट वाली सर्जरी। अब क्या होता है, एज अ पेशेंट, एज अ पॉलिसी होल्डर, आप पॉलिसी में बिल में चेक नहीं करते हो, आप पूरा डिटेल में चेक नहीं करते हो, 7-8 पेजेस का बिल होता है, कौन देखेगा, आप ऐसे ही जाने देते हो। तो एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी भी ड्यूटी, आप चेक करो उसमें डिस्चार्ज समरी में क्या मेंशन है। कई बार हॉस्पिटल की क्लेरिकल एरर भी हो सकती है, कई बार हॉस्पिटल की इंटेंशनल एरर भी हो सकती है, जस्ट टू इन्फ्लेट द बिल्स। अगर मान लीजिए 1,000 रुपए लगने थे किसी चीज के, तो उसको 2,000 करके दिखाया गया, तो आप बिल्स जरूर चेक करें वहां पे, नहीं तो अल्टीमेटली आपके सम एश्योर्ड में से ही माइनस हो रहा है। अगर वो क्लेम पे हो जाता है तो आपके सम एश्योर्ड में माइनस हो जाता है, और अगर क्लेम पे नहीं होता तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि आपने गलत तरीके से क्लेम डाला जबकि आप इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो एज अ पॉलिसी होल्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल जब बिल सबमिट कर रहा है तो उनको बोलो कि आप मुझे बिल दिखाओ, डिस्चार्ज समरी दिखाओ, देन ओनली यू विल सबमिट इट टू द इंश्योरेंस कंपनी। जस्ट हैव अ लुक कि कहीं कोई प्राइस बढ़ाया तो नहीं हुआ, इन्फ्लेट तो नहीं करा हुआ। इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि बिल्स बढ़ा के, जहां पे 1,000-2,000 लगने हैं किसी चीज को, उसको 4,000 डाल दिया। तो ये चीज आपको चेक करनी एज अ पॉलिसी होल्डर बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके सम एश्योर्ड में से माइनस हो रहा है और आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। तो वीडियो के एंड तक आप जान ही चुके हैं कि फ्रॉड करना सही नहीं है, चाहे वो इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है, आपको कुछ चीजें हैं जो माइंड में रखनी है जिसकी वजह से ऐसा आपके साथ ना हो और आपकी पॉलिसी खराब ना हो, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया तो शायद दोबारा पॉलिसी मिलेगी भी नहीं। जिस तरह से ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उस तरह से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ब्लैकलिस्टेड आपके नेम पैन से भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा कि इनको पॉलिसी नहीं देनी है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं फ्यूचर में आभा कार्ड आने वाला है, आ चुका है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है, और आने वाले टाइम में तो मैंडेटरी हो जाएगा, आभा आ जाएगा, और उसके बाद अगर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलती ना करें और बहुत ही सतर्क रहें जब आपका कोई क्लेम जाता है तो किस तरीके से जा रहा है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना। सो ये वीडियो आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं सो दैट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी सतर्क रहें और ऐसा कोई फ्रॉड में ना फंसे। जानने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।